नई विचारधारा के साथ हमारे समक्ष सदैव रहते हैं आदरणीय शेजवलकर साहब। हमारे मेला प्राधिकरण के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे राजस्व एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, मंच पर आसीन हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी, हमारे जिलाध्यक्ष अभय चौधरी साहब, ग्रामीण जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री के दर्जे पे निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल जी, रमेश अग्रवाल जी, रघुराज कंसाना जी, रामबरन सिंह गुर्जर जी, हमारे सभापति मनोज तोमर जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती दुर्गेश कुंवर सिंह जी, हमारे श्रीमद माधवराव सिंधिया व्यापार मेला के व्यापार संघ महेश मुदगल जी, महेंद्र बदकरिया साहेब, अनिल पुनियानी जी, शाहिद खान साहेब, उमेश उप्पल जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन और मेरे समक्ष इस ग्वालियर मेले के भव्य आयोजन में उपस्थित ग्वालियर के समस्त मेरे महानुभव, आपको इस सुंदर शाम में झुककर मेरा प्रणाम और आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिवस दोबारा अपना दस्तक ग्वालियर में कई साल बाद दे रहा है। हमारा ग्वालियर का व्यापार मेला इस गालब ऋषि की तपोभूमि, सम्राट तानसेन संगीत सम्राट की भूमि में माधव महाराज प्रथम के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया था। और ये मेला केवल व्यापार का मेला नहीं, ये मेला ऐसा एक फूलों का माला है जो केवल ग्वालियर चंबल संभाग का नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश और आसपास के प्रदेशों की जनता को इस क्षेत्र की संस्कृति, इस क्षेत्र की सभ्यता, इस क्षेत्र की कला, इस क्षेत्र की व्यापार की क्षमता, इन सभी मुद्दों के साथ जोड़कर ग्वालियर का मेले का माला के रूप में विश्व भर में ग्वालियर का मेला प्रकट होता है। और आज उसी सोच के साथ जब 3 साल बाद कोरोना काल में हम लोग 3 साल इस मेले से वंचित रहे, और आज जब 3 साल बाद इस मेला का दोबारा शुरुआत हो रहा है, तो इस मेले में जहां एक तरफ प्रदेश की उन्नति, दूसरे तरफ ग्वालियर का विकास और तीसरे तरफ हमारी संस्कृति और परंपरा का विश्लेषण इस मेले में होता है, एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ ग्वालियर का एक एक वासी उस दिन के लिए इंतजार करता है जिस दिन से इस मेले की तीव्रता के शुरुआत हो। और आप सब लोगों को उस दिवस पर मैं बधाई और शुभकामनाएं आज के दिवस पे देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि 1905 में महाराज प्रथम जो ग्वालियर के संस्थापक थे, आधुनिक ग्वालियर के संस्थापक थे, आज जितनी भी संस्थाएं ग्वालियर में, शिक्षा की प्रणाली की संस्थाएं, स्वास्थ्य की प्रणाली की संस्थाएं, अधोसंरचना की संस्थाएं, जो भी प्रणाली है, वो सब माधव महाराज के समय में ग्वालियर में स्थापित हुई थी। पानी की योजना भी जिस शाहपुर जी पालन जी ने मुंबई की पानी की योजना की शुरुआत की थी, उसी शाहपुर जी पालन जी को माधव महाराज लेके आए थे ग्वालियर की पानी की योजना की शुरुआत कर।
उस जमाने में प्रथम स्टेट था भारत में जहां स्टेट का रेलवे चलता था, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर, अंतिम छोर ग्वालियर स्टेट का। तो आवागमन की सुविधा, शिक्षा की संस्थाएं, पहला मेडिकल कॉलेज जो बना था वो ग्वालियर में बना था। और मुझे इतिहासकार कहते हैं कि जब हमारे ग्वालियर के पहले डॉक्टर को डिग्री दी गई थी, उस समय में माधव महाराज ने हाथियों पर डॉक्टरों को बैठाकर पूरे ग्वालियर में घुमाया था, क्योंकि पहले जीवनदायक ग्वालियर से डिग्री लेकर निकल रहे। तो ऐसे विराट सोच विचारधारा के धनी माधव महाराज ने ग्वालियर मेले की शुरुआत की। और हम में से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इस मेले की शुरुआत जब हुई थी तब इस प्रांगण में नहीं हुई थी, 1905 में सागर ताल की प्रांगण में शुरुआत हुई और 1918 में सागर ताल के प्रांगण से लेकर इस 104 एकड़ की भूमि में स्टेट टाइम में ग्वालियर मेला की शुरुआत माधव महाराज के द्वारा की गई, पशु मेला के रूप में, क्योंकि उस साल भयानक अकाल पड़ा हुआ था पूरे स्टेट और पशु मेले की शुरुआत के आधार पर ये मेले की शुरुआत हुई, ताकि किसान पूरे अंचल से, ग्वालियर स्टेट का हर किसान इस मेले में आ पाए। 1918 में इस प्रांगण में आई उनकी जो दूरदर्शिता थी, 1922-23 में उन्होंने सोचा कि इसका भव्यकरण हमें करना होगा, और उसी मास्टर प्लान के तहत जो आज भी आप और हम इस मेले के चबूतरे देखते हैं, जो दुकानें देखते हैं, जो नालियां हम देखते हैं, शौचालय हम देखते हैं, वो माधव महाराज के समय में 1929 में स्थापित की गई थी उस मास्टर प्लान के तहत। तो ये भव्य रूप उनकी कल्पना थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि 1984 में मेरे पूज्य पिताजी ने उस समय में एक राज्य स्तर ट्रेड फेयर अथॉरिटी के रूप में ग्वालियर की मेले की स्थापना की, और दिल्ली के ट्रेड फेयर अथॉरिटी के साथ जुड़ाव उन्होंने ग्वालियर की मेले की शुरुआत की। उनकी एक दूरदर्शी सोच थी कि दिल्ली के ट्रेड फेयर का सैटेलाइट सेंटर ग्वालियर बनना चाहिए, और उसी सोच के साथ ये फैसिलिटेशन सेंटर की सोच उन्होंने रखी थी, जो 2005 में इसका लोकार्पण किया गया। उसी के साथ 1996-97 में प्राधिकरण का दर्जा इस मेले को दिया गया, और आज संतोष की बात है कि हमारा मेला का नामांकन उनके स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए रखा गया है। मैं सरकार को अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारा मेला हर साल प्रगति के रास्ते पे चलता है। पिछले बार जब मेले का आयोजन हमने किया था, मेरा ये अनुरोध था कि एक नया कीर्तिमान हमें स्थापित करना होगा, और पिछले बार 3 साल पहले जब मेला आयोजित किया गया था, महेश जी यहाँ खड़े हैं मेरे साथ, 700 करोड़ रुपए का कीर्तिमान व्यवसाय के रूप में ग्वालियर मेला ने पूर्ण रूप से धारण किया। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को, गोविंद राजपूत जी को, कि हर साल जो मांग हम लोग रखते हैं कि 50% की छूट दी जानी चाहिए आरटीओ की टैक्स पर, उससे वृद्धि होती है। और ये भी तथ्य भी सब जनता के समक्ष आ गई है कि जब टैक्स की छूट दिया जाता है, रेवेन्यू इतनी बढ़ जाती है कि जो कमी होती है उसकी भी भरपाई इस मेले के आधार पर हो जाती है। हमारा सोच विचारधारा है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर ग्वालियर, इस विचारधारा के साथ हम लोग आगे चलें। और जो आज शेजवलकर जी ने इस मंच से कहा है
कि ग्वालियर की क्षमता भी इस मेले में दिखनी चाहिए। इस मेले का थीम इस वर्ष मुख्य आकर्षण हमारा आकर्षक झूले हैं, हमारे वन मेले हैं, हमारे मारुति के कुएं हैं, हमारे शिल्प बाजार हैं, और ग्वालियर के शिल्पकार को इस मेले में अपना हुनर दिखाने का मौका पूर्ण रूप से मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आज से हमारे एक एक ग्वालियर के वासी और चंबल के वासी सभी को इस मेले के लुत्फ लेने का मौका मिलेगा। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया कीर्तिमान इस मेले के आधार पर हम लोग स्थापित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।